सलमा थोड़ी सी तो खा रहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। हानिया ने आज पौधों को पानी दिया, चार देखने मैंने भी बनाना है। और सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे सब यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ बैठ के अभी नाश्ता करती हूँ। हानिया ने आज पौधों को पानी दिया या नहीं दिया? दिए। हानिया ने अपनी ड्यूटी बना लिया पौधों को पानी देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हम सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसी के साथ अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और हमारे व्लॉग की रूटीन में आज क्या होने वाला है? व्लॉग की रूटीन में आज ये है कि आज तमन्ना का वीजा एक्सटेंड करवाने के लिए हम सब जॉर्डन जा रहे हैं, और बच्चे भी सब जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी है। तो इसलिए मैंने आज का दिन ही मुझे मुनासिब लगाया, तो मैं यही सोच रही थी कि आज ही वो चले, उनकी छुट्टी भी है सबकी, वो हमारे साथ भी जाएंगे, उनका एक ट्रिप भी हो जाएगा और वो इंजॉय भी कर लेंगे हमारे साथ। अगर अल्लाह पाक ने चाहा और अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरी हुई तो इंशाल्लाह हम आज रात को ही निकल जाएंगे। हम आ गए हैं यहाँ पे, जो हमारा अधूरा काम था ना, हम उसे पूरा करने के लिए आए हुए हैं गर्मी और धूप की वजह से। तो छांव के नीचे यहाँ पे सारे कबूतर जमा है और यहीं पे इनको दाना पानी डाला जाता है। हम भी यहीं पे डालने के लिए आए हुए हैं, हस्बैंड जा रहे हैं डालने के लिए। पानी हमने ठंडा भरा है क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है सऊदी अरब में। ठंडा पानी डालने के बाद ना अभी मेरे हस्बैंड दाना डालने के लिए जा रहे हैं। ये काम करके ना वाकई दिल को और दिमाग को सुकून मिल रहा है सच में। और सबसे पहले पहले मैंने अपनी बेटी हानिया को नहलवा दिया और उसके कपड़े भी चेंज करवा दिए हैं, क्योंकि हम कहाँ जाने वाले हैं हानिया? जॉर्डन। जॉर्डन। सब बहुत ज्यादा खुश हैं, बच्चे सारे खुश हैं कि हम जॉर्डन जा रहे हैं। मैं ये वाले कपड़े पहन के जाऊंगा, आप मुझे ये वाले प्रेस करके। ये वाले प्रेस करके दूंगा। मुस्तफा ने अपने कपड़े निकाल भी लिए। आप भी खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो? और तमन्ना आप? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत ज्यादा खुश हो? सब बहुत खुश है। काफी टाइम से हम लोग ट्रिप पे नहीं गए हैं ना। हाँ, अच्छा तमन्ना को ट्रिप की है कि एक ट्रिप भी हो जाएगा, वीजा भी एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ, ट्रिप भी हो जाएगा और वीजा भी एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा दूर है, आपको पता है ना? और से भी दूर है। हाँ, रियाज से भी दूर है। और मुना आप बताओ? 1000 किलोमीटर दूर है। 1000 से ज्यादा है वो? 1000 और 100 यानी 1100। और मुना आप बताओ, आप भी खुश हो? हाँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। और सब ना नहा के फ्रेश होके यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, बस अभी मेरे हस्बैंड का वेट हो रहा है कि जैसे ही वो आते हैं ना, तो हमने अपने कपड़े जो है ना वो हाँ हानिया मम्मा मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, हानिया भी बहुत खुश है कि सबने बस रेडी होना है और बस जाना है। आज अम्मी ने बनाया है मजेदार सब पुलाव। अम्मी किसके लिए बनाया ये? मेहमान आए हुए हैं। तो इसके अलावा दूध वाली सेवैयां भी बनी हुई है पुलाव के अलावा, और अम्मी ने सालन भी बनाया मेहमानों के लिए। और मेहमान अम्मी के पाकिस्तान से आए हुए हैं। हाँ, उम्रे पे आए हुए हैं। तो अम्मी ने कब से उनको इनवाइट किया हुआ था, आज आए हैं। तो यहाँ पे अभी दस्तरखान लग रहा है, मेहमान ज्यादा नहीं है, बस सिर्फ एक लेडी ही आई हुई है। और इसके अलावा मेरी चाची भी आई हुई है हमारे घर पे। वॉशरूम भी अभी आ जाती है, अभी आ जाती है। हाँ, वो अभी इसके लिए मैं ले आई हूँ। खुश हो गई, चाची के लिए गिफ्ट नहीं है, मेहमान के लिए गिफ्ट है, इसलिए चाची नाराज हो रही है। आप बैठे अभी दस्तरखान पे बैठे हैं, अभी खाना खाए आप? खाना खाए नहीं रोई, अम्मी कह रही है चलो तुम। जी बेटा, आप लोगों के लिए नहीं है बेटा, ये हमारे लिए है। हाँ, ये दादी के लिए खाना बना हुआ है और मेहमान। खाना मेरे लिए स्पेशल बना है, आप लोग ऐसे आ गए हो खाम खामे। उसने आप लोगों को बनाया खाने देगी, ये कहती है कि मेरे लिए बना है। लाया किसने है? मम्मा जी, सलमा थोड़ी सी तो खा रहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल भी भूख नहीं है, खाना मैंने खा लिया, बस अभी आप सबके साथ बैठी हूँ ना, देख रही हूँ, बस अच्छा लग रहा है आप सबको। पेट में दर्द डालोगी? नहीं, बस देख रही हूँ ना आप सबको। नहीं नहीं, खाना है तो नीचे आओ। हाँ, नहीं खाना तो चले जाओ, यही ऐसे देख देख के हमें नजर ठोकोगी, नजर ठोकोगी। और क्या करोगी, कैसे बोलती है? बस खाना तो मैंने खा लिया है, बिल्कुल भी भूख नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर पहले मैंने खाना खाया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अभी मैंने यहाँ पे सिवैयाँ ले लिया हैं ठंडी ठंडी दूध वाली, जो कि अम्मी के हाथ की बहुत ही मज़े की होती है। अभी ऐसा हुआ ना, हमारी जो जॉर्डन जाने की जो तैयारी है ना, वो कैंसिल हो गई है। शायद इसमें कोई बेहतरी होगी। कैंसिल इस वजह से हुई है कि मेरे हस्बैंड गए थे गाड़ी लेने रेंट पे, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ना, जब हमने ली थी वो सेकंड हैंड थी, और तब भी मेरे हस्बैंड ने उसका काफी सारा काम करवाया था, तो उसके बाद हमने उसे यूज किया था। तो जॉर्डन यहाँ से मदीना मुनव्वरा से काफी दूर है, बॉर्डर पड़ता है रास्ते में, आउट ऑफ कंट्री है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम रेंट पे गाड़ी लेते हैं, हो सकता है ये रास्ते में खराब हो जाए हमारी गाड़ी, तो फिर हम रास्ते में क्या करेंगे।
तो इसलिए रेंट पे ही ले रहे थे। तो अभी मेरे हस्बैंड गए तो नहीं मिले, तो खैर इसमें कोई खैर होगी, कोई भलाई होगी, तो इंशाल्लाह फिर हम कल निकलेंगे जॉर्डन के लिए। फिलहाल मैं जा रही हूँ सब्जी मंडी, सब्जी मंडी जो कि मैं कल कह रही थी कि मुझे मैंगो लेने हैं वहां से, लेकिन अम्मी भी कह रही है और मेरे हस्बैंड भी बता रहे हैं कि मैंगो जो है ना अभी पक चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ, ट्राई करने में क्या हर्ज है, अगर मिल जाते तो हम घर में बना लेंगे खुद ही अचार। तो इंशाल्लाह फिर बस अभी हम निकल रहे हैं, चलो एक तरफ से काम नहीं है ये हो जाए, दिन में भी बनेंगे। और मैंने यही सोचा होता घर में बस बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह धोने थे और इसी तैयारी में घर में ही लगी रही कि हम निकलने वाले हैं। तो बस खैर चले फिलहाल अभी निकलते हैं सब्जी मंडी के लिए। वहां से आप बैठ के हमें देखे, हम जा रहे हैं, बाय 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 कुकू। मन्ना भी रेडी होके आ गई और मुस्तफा और हानिया भी आ गए हैं, और मोना पता नहीं क्यों नहीं आई। मीशो लेने चले सुफुद्रा से, मीशो मीशो लेंगे, अभी तो उसे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं अब कहाँ मिलेगा। नहीं उस जैसा कोई नहीं, उस जैसा नहीं मिल रहा, उस जैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा। ट्राई करते हैं मम्मा, मुझे भी मीशो जैसा चाहिए। आप सबको मीशो चाहिए, मुस्तफा ने याद दिलवा दिया मीशो की सबको। आप भी वहाँ पे चल के आप देखो, बहुत फनी फनी चीजें होती हैं। एक छोटा सा मंकी का बेबी था, उसने फ्रॉक और पंख पहना हुआ था। सुन रही हो तमन्ना, अब जाके दिखाओ उसको, तमन्ना को दिखाओगी आप? पापा को बोले चले, पापा को बोलो चले आपके साथ। हम पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी, अपने हस्बैंड को कह रही मुझे सिर्फ एक काम चाहिए, ठीक है एक काम लेकर आए, मैं पहले उसे चेक करूंगी, हो सकता है वो अंदर से पके हुए हों, इसलिए हमने ज्यादा नहीं लेने, ठीक है अगर कच्चे हैं तो फिर लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मेरे हस्बैंड लेकर भी आ गए और देखें बिल्कुल पत्तों के साथ और टहनी के साथ लेकर आए, कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पाकिस्तान से अभी अभी तोड़ा, लग रहा है आपको ऐसे? नाइफ भी ना मैं घर से लेकर आई थी कि मैं आम को कट करके देखूंगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आम मिलते हैं, जैसे एक बड़ी कार्टन मिलती है ना, तो कार्टन लेने से बेहतर है, मैंने कहा पहले मैं इसे चेक करके देख लूँगी, क्योंकि अभी ये पक चुके हैं। ये टहनी तो मैंने काट ली, लेकिन यहाँ से अभी मुझे कच्चा लग रहा है, अभी मैं अंदर से काट के फिर देखती हूँ। मैं काट तो रही हूँ लेकिन दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे कच्चे हों ताकि मैं अचार बना सकूँ। अच्छा ये है तो कच्चा लेकिन हल्का हल्का येलो यहाँ से नज़र आ रहा है, तुम्हारा नज़र आ रहा है? हल्का हल्का है, यहाँ से भी है, क्या करें अब ले लें। चेक किया है आपने? चेक किया, खट्टा है ना, बस ले लें फिर, ले लें ले आए फिर, तो पानी भी चेक करना, ये पकड़ो खट्टा है ये लो। हानिया आप क्यों आई हो हमारे साथ? मैंने तो कहा था ना कि आप रुक जाओ, मोना भी घर पे है। वैसे भी आप लोग जॉर्डन नहीं जा रहे तो मैंने सोचा चली जाती हूँ। चली जाती हूँ, अच्छा जॉर्डन की तैयारी कैंसिल हुई तो आप यहाँ पे आ गए हमारे साथ। मुझे भी अचार देखने, मैंने भी बनाना है। आपको आता है बनाने? तो मना आप भी चेक करो, ले लिया आम और रख भी दिए गाड़ी की डिग्गी में। हानिया तो अचार बना के घर आ भी गई है। मैंगो अभी हमारे किचन में आ चुके हैं और अम्मी को भी मैं लेकर आई हूँ, मैं अम्मी को दिखा रही हूँ कि अम्मी ठीक हैं ये, बताएं अम्मी सही हैं? ये अच्छे हैं, अच्छे हैं और अचार अच्छा बनेगा, अचार अच्छा बनेगा और बिल्कुल फ्रेश है अम्मी, देखिए इनके ऊपर पत्ते भी अभी तक लगे हुए हैं ना, ताजे ताजे हाँ तोड़ के आए हैं। तो वो फिर नहीं, इस घर ने कहा है कि वो आदमी बता रहा था कि आज के फ्रेश आए हुए हैं ना, आज के हैं फ्रेश, नहीं नहीं है भी आज के फ्रेश, देखिए पत्ते भी हाँ बिल्कुल पत्ते भी साथ हैं। कुछ अचार बनाते हैं, कुछ मुरब्बा, हाँ कुछ जो है ना आम का मुरब्बा बनाएंगे, ये भी मैंने अभी अम्मी को कह रही थी कि ज्यादा है ना काटा ने, जाहिर है ज्यादा है, एक जो हमने पहले लिया है ना अम्मी वो भी ऐसे था, हाँ ये ऐसे 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 लग रहा है जैसे मैंने फौरन हमने जैसे तोड़े है ना, ताजे ताजे जैसे तोड़ते हैं वो उससे दरख्त से ऐसे। ये देखे सितारा, हाँ अम्मी दिखा रही है सितारा, मैं अभी आम तोड़ के आई हूँ, हाँ यहाँ से अचार और मुरब्बा बना के ना भेजेंगे इस तारा के पास, इनको धो लेते हैं ना, इनको धो दे अच्छी तरह से, अच्छी तरह से इनको धो के सुखा के फिर काटेंगे, धो के इसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसको सूती कपड़ा उठा के ना, हाँ उसको खुश्क करके बाद में काटेंगे। तो बस अभी मैं इनको उठा के ना सबको धो रही हूँ, आमों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर और तकरीबन आधे मैंने यहाँ से ले लिए, आधे मैंने धो लिए और आधे बाकी बचे हुए हैं। धुले हुए आम ना मैं रूम में लेकर जा रही हूँ, वहाँ पे हमने दस्तरखान बिछाया, अभी वहीं पे हम इनको काटेंगे। दस्तरखान पे ना मैंने यहाँ पे ये सूती जो दुपट्टा है ना ये बिछा दिए, आमों को मैंने अभी अभी धोया हुआ और जो भी इनका पानी होगा ना वहीं पे, आमों का जो पानी है ना वो सूख जाएगा इस सूती कपड़े के ऊपर, तो मैं ये भी इसके ऊपर गिरा रही हूँ। सूती कपड़े पे तो मैंने डाल दिया है लेकिन अभी मैंने एक छोटा सा कपड़ा ले लिया, इनको मैं साफ करती जाती हूँ। इस तरह से हमारा जो अचार का जो प्रोसेस है ना वो शुरू हो गया घर में, मेरे हस्बैंड वहाँ पे कट करके दे रहे हैं, मैं और अम्मी यहाँ से गुटखे निकाल निकाल के ना, तो
इसको साफ करके इसमें रख रहे हैं, तो उसके बाद जिस तरह से भी बनाएंगे, क्योंकि काफी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे अगर आप अचार बनाते हैं तो प्लीज हमें बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं, तो जो भी हमारा तरीका होगा तो आप सबके साथ शेयर। हमारे पास में घर में जो चीजें होती है ना अचार, जैसे वो आम काटने की, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारे पास जो छुरियां जो भी थी ना हम सारी उठा के लेकर आए हैं, और अभी ये डंडा भी मैं लेकर आ रही हूँ, तो छुरी रख के ये डंडे के ऊपर मैं जोर से मारती हूँ, तो इस तरह से हम ये आम काट रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड काट रहे थे तो वो कुछ बड़ी कुछ छोटी इस तरह की काट रहे थे, ये तो सब बराबर कर रही है। हाँ, अभी मैं काट रही हूँ ना, तो अब सबको ना मैं सबको बराबर बराबर काट रही हूँ, और अम्मी कह रही है कि हाँ ठीक काट, हाँ ठीक काट रही। मैंने इसको बोला कि बस डंडा रखो ऐसे एक लगाओ और अच्छी तरह से बनेगा। किस तरह से काट रही हूँ ऐसे छोटे छोटे, दिखाओ तमन्ना नजर आ रहे हैं। हाँ, इस तरह से मैं काट रही हूँ। अम्मी मुझे अपनी बातें याद दिलवा रही है कि जब अम्मी कह रही है कि अम्मी आप बताएं। हाँ, जब हम छोटे थे ना तो अम्मा काटती थी और दूसरी जो बड़ी और बड़ी औरतें हाँ, वो जो भी आती थी और बड़ी बड़ी वो काटती थी, हम उसके साथ बैठ के देखते थे तो हम भी उससे लेके काटते थे। हाँ, और अम्मी कह रहे हैं कि नाना अब्बू जो थे ना मेरे वो कुल्हाड़ी से काट के देते थे, और औरतें जो थी वो साथ बैठ के जैसे मेरी नानी अम्मा हो गई सब छुरियों से, तो फिर वो उनको जैसे वो सेट करती जाती थी, और ये बड़े बड़े मटके बनाते थे तो पूरा साल बड़ा रहता था, पूरा साल। हाँ, पूरे साल के लिए जैसे बना के रखते थे, हरी मिर्ची डालते थे और गाजर डालते थे, लीमू डालते थे और लसूड़ा वो डालते थे, इतनी अच्छा बनता था, हर चीज डालते थे, और गंदला साग जो होती है ना उसके गंदला का वो गंदा होती है उसके काट काट के छोटे, वो जो टहनी होती है सरसों के साग की जो टहनी होती है ना जो बीच वाली, हमें वो बता रहे हैं कि वो भी डालते थे। हम तो गंदले बोलते थे, वो पंजाबी में भी कहते हैं गंदले, गंदलों का साग। तो अभी ये जो हम चल रहे हैं ना हमारे घर प्रोसेस, तो ये अच्छा हो रहा है कि हम चलो बड़ों को याद कर रहे हैं, तो बड़ों की यादें भी ताजा हो रही है हमारे अचार के साथ साथ। डाले हैं थोड़ी सी आम और इसमें डालती हूँ ये नमक, ठीक है। हमने काटे हैं ना, अभी काट के इनकी सारी जो गुठले हैं ना हमने सारी निकाल लिए, बिल्कुल साफ कर लिए। तो अभी अम्मी इसमें नमक डाल रही है, अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और नमक डाल के ना और डाल, तो ये अम्मी कितना नमक ज्यादा डालेगा इसमें? हाँ, इसमें नमक ज्यादा ना, नीचे पहले एक जो लेयर बनाई है ना उसमें नमक डाल दिया, अभी ऊपर से और डाल रही है और उसमें भी नमक डाल रही है, ऊपर नीचे सब नमक होगा ना, ये फिर बाद में तो सारा पानी पानी हो जाएगा। हाँ, पानी पानी तो सब मिक्स हो जाएगा। अभी मैं ऐसे डाल रही हूँ, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे ऐसे डाल रही हूँ। नसीब में अम्मी देखें जाना नहीं लिखा हुआ था, और हाँ, शायद ये अचार बनाना लिखा हुआ था ना। तो पूरी कोशिश की हमने जाने की, बस वो गाड़ी जो है ना वो नहीं मिली किराए पे, रेंट पे जो गाड़ी हम ले रहे थे वो नहीं मिली, फिर मैंने कहा चले इसमें भी कोई खैर हो। कहाँ है मोना जाके ढक्कन, अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ, बाल्टी का ढक्कन, नमक डाल लिया है मैंने, तो इसको 3 दिन रखूंगी धूप पे। अच्छा, धूप पे रखेंगे 3 दिन इसे? 3 दिन रखूंगी, नहीं ऐसे पड़ा नहीं रहेगा, दिन में इसको मैं ऊपर नीचे ऐसे करूंगी। अच्छा, हाँ। तो फिर इसको रख दूंगी, 3 दिन रखूंगी, 3 दिन के बाद फिर सारे मसाले डालूंगी और तेल डालूंगी। हाँ। और फिर इसको और जब बनाएंगे फिर दिखाएंगे। हाँ, सिरका भी डालेंगे, जो जो भी मसाले होंगे जो भी डालेंगे ना, तो फिर वो आप सबको दिखाएंगे, सबको दिखा के फिर रखेंगे, फिर 3 दिन रखेंगे वो तेल डाल के ना, फिर 3 दिन रखेंगे धूप पे। अम्मी अभी बांध रही है इसको, हाँ, इसको बांध रही कपड़े से ऊपर। तो सलमा, तुम्हारी तैयारी का क्या हुआ, जा रहे थे? तैयारी तो वो अम्मी आपको बता रही हूँ ना कि कैंसल हो गई है। हाँ, तो बस मैं यही कह रही हूँ, मैंने कहा इसमें कोई खैर होगी, खैर होगी इंशाल्लाह, कल चले जाओ, कल फिर। हाँ, इंशाल्लाह कल फिर बनेगी वही तैयारी, और जाना तो अम्मी जल्दी है ना, फिर इसके मसला हो जाएगा ना, फिर तमन्ना का, इसलिए सब ठीक हो जाएगा, बस वो बेहतरी होगी तुम होगे ना इसमें, बस मैं वही तो कह रही, मैंने कहा आज शायद नसीब में था अचार बनाना, अचार बनाना इसलिए रुक गए फिर। बच्चों के लिए मैंने अभी ठंडा ठंडा खरबूजा कट किया, बच्चे भी टीवी देख रहे हैं, तो उनके पास लेकर जा रही हूँ, और सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब यहाँ पे बैठ के टीवी में मस्त हैं, टीवी देख रहे हैं। हानिया, मैं सबके लिए खरबूजा कट करके लाई हूँ, ठंडा ठंडा, आ जाओ सब खाओ। तमन्ना ये पकड़ो, ये पकड़ो तमन्ना। हमारी आज की रूटीन यहीं पे खत्म होती है, तो अभी मैं आ गई अपने व्लॉग का एंड करने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें। हमारी आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।